हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं अमन टेरेस गार्डन। तो फ्रेंड्स, हम आज आपके साथ में कुछ ऐसे प्लांट शेयर करने वाले हैं जो कि भयंकर गर्मी में यानी कि 40 से 45 डिग्री तापमान में भी बहुत अच्छे से चलेंगे और आपके गार्डन में बहुत सारे फूल उसमें आएंगे। तो कुछ ऐसे प्लांट हैं जो हम आपको दिखाने वाले हैं, यदि आपने अपने गार्डन में ऐड नहीं किए हैं तो उनको अभी कर लीजिए, जिसका हम नाम बताएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल सके। तो फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला प्लांट है बोगनविलिया, जो कि काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट शेड्स में आते हैं और बहुत सारी वेराइटीज़ में आते हैं। इसकी चार वेराइटी मेरे पास भी हैं, एक ऑरेंज वाला है, एक वाइट वाला है और एक पर्पल वाला है और एक पिंक वाला है, जिसको मैंने आगे क्यारी में लगा रखा है। तो आप कोई भी वेराइटी अपने गार्डन में लाकर ऐड कर सकते हैं, जो कि फुल सनलाइट में बहुत अच्छे से खिलेगा और बहुत ही सुंदर से इसके फ्लावर्स आते हैं, तो इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारी दूसरा प्लांट है हमारा ये चंपा का, जिसे प्लूमेरिया भी कहते हैं, जो कि बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसको भी आप पूरे दिन की सनलाइट में रख सकते हो, जो कि बहुत ही खूबसूरत से इसमें फ्लावर्स आते हैं। जितनी ज़्यादा धूप इस प्लांट को मिलेगी उतनी ही ज़्यादा इसमें फ्लावर्स आएंगे, तो इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। इसमें भी आजकल कई वेराइटीज़ आने लगी हैं नर्सरी में, हाइब्रिड, देसी वगैरह, आप जो चाहो अपने गार्डन में ला कर ऐड कर सकते हो। उसके बाद हमारा तीसरा प्लांट है ये बटरकफ का। ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी सुंदर से इसमें फ्लावरिंग हो रखी है और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है ये भी। इसको भी फुल सनलाइट में आप लगा सकते हो, जो कि बहुत ही सुंदर से इसमें फ्लावर्स आते हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर से इसमें ब्लूम्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको भी आप फुल सनलाइट में लगा सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बड़ा मेरा प्लांट हो चुका है। उसके बाद हमारा अगला प्लांट है ये गिलार्डिया का। तो ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी सारे फ्लावर इसमें आ रहे हैं और काफ़ी सारे हमने पूजा के लिए तोड़ भी लिए हैं। इसमें कई सारी वेराइटीज़ है मेरे पास, सिंगल पैटर्न, डबल पैटर्न और येलो डॉट की बहुत सारी वेराइटीज़ इसमें आती हैं, सारे मिक्स सीड थे। ये भी फुल सनलाइट का प्लांट है, जिसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो, जो पूरी गर्मी आपको फूलों से लदा रहेगा और आपको फूलों की कमी महसूस नहीं होगी। तो ये बहुत ही सुंदर सा प्लांट है गिलार्डिया का, इसमें भी कई सारे शेड आते हैं, इसको भी आप कोई भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। उसके बाद हमारा अगला प्लांट है फ्रेंड्स, जो कि फुल सनलाइट में चलता है, वो है ये यूफोर्बिया मिली। ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी सुंदर सा मेरा प्लांट है और एक छोटी सी कटिंग से भी बड़ी आसानी से ग्रो हो जाता है और पूरे दिन की सनलाइट में भी बहुत अच्छे से चलता है। तो इसकी भी काफ़ी सारी वेराइटीज़ आती हैं, ये जो कि नॉर्मल वाली वेराइटी है पिंक वाली, मेरे पास फ़िलहाल यही है, तो ये भी आप लगा सकते हैं। और ये देखिए एक वाइट कलर का बोगनविलिया, इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे कलर्स इसमें आते हैं आजकल के, और कोई भी इसमें कलर आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, जो कि फुल सनलाइट में बहुत अच्छे से चलते हैं। उसके बाद फिर अगला प्लांट है हमारा ये गोमफ्रेना का, जो कि ये भी फुल सनलाइट का प्लांट है, इसको भी आप पूरे दिन की धूप में लगा सकते हैं। ये देखिए, इसके इस तरीके से सीड होते हैं, जो आप डाल दोगे, जहाँ पर डाल दोगे वहीं पर इसके बहुत सारे पौधे, ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी सारे पौधे इसमें ग्रो हो चुके हैं। इसको भी मैंने सीड से ही लगाया था इसी तरीके से, तो ये भी अभी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो, जिसमें इस तरीके से छोटे छोटे फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, जो बहुत सुंदर लगते हैं दिखने में। उसके बाद हमारा अगला प्लांट है फ्रेंड्स, ये मैक्सिकन पिटूनिया। ये भी बहुत ही फुल सनलाइट में चलने वाला प्लांट है और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। इसमें आजकल हाइब्रिड वेराइटी भी आने लगी है नर्सरीज़ में, पिंक वाली, लाइट पिंक, बहुत सारे सुंदर सुंदर से इसमें फ्लावर्स आते हैं। इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारा अगला फ्लावरिंग प्लांट है ये टिकोमा, जो कि नॉर्मल वाली वेराइटी है और ये काफ़ी हैवी ब्लूमर होता है, जिसको भी आप फुल सनलाइट में अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। इवन ये ज़मीन में तो बहुत ही बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं और बहुत ही सुंदर से इसमें बंचेज में फ्लावर आते हैं। ये देखिए, गमले में भी इसमें काफ़ी सुंदर सी फ्लावरिंग हो रखी है, तो इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो, जो कि बहुत ही सुंदर दिखता है फ्रेंड्स। इसके भी मेरे पास दो कलर हैं, एक पर्पल वाला है और एक ही पिंक वाला है, तो फ्रेंड्स इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। उसके बाद अगला फ्लावरिंग प्लांट है फ्रेंड्स, ये विंका, जो कि देसी वाला है, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। इसको भी आप फुल सनलाइट में लगा सकते हो और इसका अभी ग्रोइंग पीरियड भी है, तो इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर दिखता है। इसके आजकल हाइब्रिड वेराइटी भी आती हैं, जो कि हमारे पास भी है, हम उसको आगे दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हुए बताते हैं आपको चांदनी का प्लांट। तो ये भी बहुत ही हैवी ब्लूमर प्लांट होता है फ्रेंड्स। ये देखिए, इसमें बंचेस में फ्लावर आ रखे हैं और काफ़ी सारी मात्रा में इसमें कलियाँ भी बन रही हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। तो इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और ज़मीन में इसके बहुत बड़े बड़े से पेड़ हो जाते हैं। फिलहाल ये गमले में लगी हुई है, इसलिए इसमें फ्लावरिंग कभी कम हो रही है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कलियाँ इसमें बन रही हैं, तो इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। आजकल इसकी हाइब्रिड वेराइटी भी आती हैं, जो कि ड्रॉप वाली होती हैं, मिनिएचर वाली होती हैं, बहुत ही सुंदर से इसमें फ्लावर्स आते हैं। तो उसी लिस्ट में हमारा अगला प्लांट है फ्रेंड्स, ये ओलियंडर या फिर कनेर जिसे कहते हैं।
तो ये भी काफ़ी हैवी ब्लूमर होता है और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। इसको बस एक बार लगा दीजिए और फुल सनलाइट में इसको रख दीजिए तो बहुत ही सुंदर से इसमें फ्लावर्स आएंगे। इसके मेरे पास तीन कलर हैं, ये वाइट कलर है, एक ऑरेंज कलर है और एक पिंक कलर है, जो कि आप कोई भी कलर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है पिंक कलर का जिसमें भी फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं। और ये जो एरिया है इसमें मेरे गार्डन में पूरे दिन की धूप रहती है, तो मैंने इसको इस जगह शिफ्ट किया है ताकि पूरे गार्डन की धूप इनको मिल सके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी इसमें ब्लूमिंग हो रखी है और काफ़ी ब्राइट से इसके कलर्स हैं। तो इसमें से कोई भी प्लांट आप अपनी गार्डन में ऐड कर सकते हैं। आजकल इसमें हाइब्रिड वैरायटी भी आने लगी हैं और ये है मेरा काफ़ी सुंदर सा प्लांट है, तो इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो फ्रेंड्स। और ये है मेरा ऑरेंज कलर की कनेर जिसमें भी फ्लावर्स ब्लूम नहीं किए हैं, तो इसको भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो और बहुत ही सुंदर से प्लांट है। ये एक पीला कलर का प्लांट है जो कि ज़मीन में लगा हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बड़ा प्लांट हो चुका है। तो आप कोई भी वैरायटीज़ की ला के अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। उसके बाद अगला प्लांट है फ्रेंड्स, ये हिबिस्कस का, जो देखिए फ्रेंड्स इसके मेरे पास 5 से 6 कलर हैं और ये भी समर में बहुत ही अच्छे से चलता है, बहुत ही हैवी ब्लूमर होता है। इसकी मैंने अभी थोड़े दिन पहले आपके साथ में हार्ड प्रूनिंग भी की थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी काफ़ी सारी नई नई ग्रोथ इसमें निकलने लगी है और उसकी लिंक भी हम आपको आई बटन पर दे देंगे। यदि आपने उसकी वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो भी वहाँ जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें 5 से 6 कलर हैं और एक ही है वेरिएशन वाला, जिसकी पत्तियाँ बहुत ही सुंदर सी होती हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी पत्तियों में वेरिएशन आता है और बहुत ही सुंदर सा ये प्लांट है। तो इनमें से आप कोई भी प्लांट अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से इसमें फ्लावरिंग ले सकते हैं। और अभी हमने आपको बताया था कि हाइब्रिड विंग का, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये दो हमारे हाइब्रिड विंग का हैं, जो कि एक है रेड कलर का और एक है ये पर्पल कलर का। ये देखिए फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी अच्छा ब्लूम किया हुआ है और बहुत ही सुंदर से इसमें फ्लावर आ रखे हैं। तो इसमें से आप कोई भी वेराइटीज़ अपने गार्डन में ला कर ऐड कर सकते हैं अभी। और यदि आपको इस तरीके से वीडियो अच्छी लगती हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इन विच अमन टेरेस गार्डन। धन्यवाद।